Hey friends, search for TSP Education Hub. Subscribe to my channel and press the bell icon. Select all to get notification of my videos. Hello, Namaste, Adab. I am Taslima and you are on my channel TSP Education Hub. फ्रेंड्स, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो केजी 1, केजी 2 या स्टैंडर्ड 1 में पढ़ते हैं और आप वरीड हैं कि उनकी रीडिंग अच्छी नहीं हो रही है, वो अच्छे से रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बच्चे के लिए रीडिंग टेक्निक्स लाई हूँ जिन्हें पढ़ाकर आप उनकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करिए और बच्चों को सिखाइए रीडिंग कैसे करते हैं और उनकी रीडिंग को बनाइए फ्लुएंट। बच्चे ऑलरेडी नर्सरी से फोनिक साउंड सीख कर आते हैं, जैसे कि ए ए बी ब सी क डी ड ई ए एफ जी ग एच ह आई ई। ये साउंड्स की रिवीजन आप उन्हें पहले कराइए, क्योंकि ये बेसिक साउंड्स हैं, इनकी नॉलेज उनको होना बहुत ज़रूरी है। अगर उन्हें याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो उन्हें थोड़ा रिवीजन दे दीजिए। फ्रेंड्स, सिर्फ फोनिक साउंड से रीडिंग नहीं होती है, इसके लिए उन्हें और भी बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, लाइक ब्लेंडिंग, डायग्राफ्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल साउंड्स एक्सेट्रा। नाउ मेक देम रीड टू लेटर वर्ड्स, जैसे ए एम A, n, an, at, at, if, if, eat, it, is, is। इन टू लेटर वर्ड्स की प्रैक्टिस आप उन्हें दीजिए। इसी तरह से यहाँ पे भी आपको कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे, जैसे कि go, no, so, by, my, to, do, off, on, or, up, us। टू लेटर वर्ड्स के बाद हम आते हैं रीडिंग ऑफ थ्री लेटर वर्ड्स में। जब बच्चे को अच्छे से टू लेटर वर्ड्स पढ़ना आ जाए, उसके बाद आप आगे बढ़ें थ्री लेटर वर्ड्स के साथ, जिन्हें हम सीवीसी वर्ड्स भी कहते हैं, यानी कॉन्सोनेंट, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। बी ए टी बैट या ब आ ट बैट, क आ ट कैट। सिमिलरली ड ए न डेन, ह ए न हेन, म ए न मैन। ठीक है, इस तरह से और भी वर्ड्स यहाँ पे मैंने लिख कर रखे हैं, जैसे बिट, हिट, किट, सिट, पिट, मॉप, हॉप, टॉप। तो इनकी प्रैक्टिस भी आप बच्चों को दीजिए। ये बहुत ही सिंपल रीडिंग है, इससे बच्चे पढ़ने में बहुत इंजॉय करते हैं और उन्हें मज़ा आता है। जैसे ही उनके टू और थ्री लेटर वर्ड्स की रीडिंग कंप्लीट होती है, आप उन्हें ब्लेंडिंग इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ब्लेंडिंग ऑफ टू साउंड्स। जैसे टू कॉन्सोनेंट्स हैं और टू कॉन्सोनेंट को जब हम ब्लेंड करेंगे तो उनका क्या साउंड बनकर आता है, जैसे ब ल ब्ल, क ल क्ल, फ ल फ्ल, ट र ट्र, प ल प्ल, ग र ग्र। इसके वर्ड्स भी मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपके लिए लिख दिए हैं, जैसे कि ब्लैक, ब्लेंड, ब्लो, ब्लाइंड, ब्लंट, क्लैप, क्लो, क्लीन, क्लिप, क्ल्यू। ठीक है, तो इन्हें आप वर्ड्स के थ्रू ब्लेंडिंग इजीली सिखा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये स्टेप आप मिस नहीं कर सकते हैं किसी भी हाल पे। तो आप ध्यान रखिए कि ये स्टेप आप बहुत अच्छे से और बार बार अच्छे से रिपीट कर करके उन्हें रिवाइज करवाते रहें। नेक्स्ट हम आते हैं डायग्राफ्स में। फ्रेंड्स, ब्लेंडिंग में सेम साउंड आता है, जैसे कि ब और ल, हमने ब ल को जब ब्लेंड किया तो साउंड आया ब्ल, मतलब दोनों का साउंड सेम था, बस हमने साउंड्स को मर्ज कर दिया। लेकिन डायग्राफ्स में डिफरेंस है, डायग्राफ्स में न्यू साउंड निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने सी और एच दोनों को कंबाइन किया, जब एक साथ ज्वाइन किया तो साउंड अलग आया, जो है च। ठीक है, इसमें क और ह का साउंड नहीं आ रहा है, इसमें सी और एच को मिलाने से च का साउंड आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, चेयर, चाइल्ड, चीज। सिमिलरली, के और एन को जब आप ज्वाइन करेंगे तब उसका साउंड आएगा न, क्न नहीं आएगा, इसका साउंड आएगा न। तो ये डिफरेंट साउंड बन के आ रहा है, इसे कहते हैं डायग्राफ्स। सिमिलरली, पी एच को जब आप ज्वाइन करेंगे तो बनेगा फ, एस एच को आप ज्वाइन करेंगे तब बनेगा श, टी एच को ज्वाइन करने से दो साउंड निकलते हैं, ये है थ और ये है द। ठीक है, तो थ के वर्ड्स हैं थिंक, थंप, थैंक, थ्री,
और the वाले वर्ड्स हैं this, the, them, that. WR को ज्वाइन करेंगे तो साउंड आएगा र, र का साउंड आएगा, व र नहीं आएगा, क्योंकि W का साउंड होता है व और R का साउंड होता है र. तो हम यहाँ व र नहीं बोल के सिर्फ र का साउंड निकालेंगे, जो है रिस्ट, राइट, रॉन्ग. फ्रेंड्स, जब बच्चों को अच्छे से डायग्राफ्स आ जाएं, जब वो ब्लेंड करना सीख जाए, डायग्राफ सीख जाए, उसके बाद आप उन्हें बता सकते हैं लॉन्ग वॉवल साउंड. लॉन्ग वॉवल साउंड मीन्स वॉवल्स के ओरिजिनल साउंड, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू. ए का साउंड ए, ई का साउंड ई, आई का साउंड आई, ओ का साउंड ओ और यू का साउंड यू. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जहाँ पे आपको इनका साउंड सेम वैसा ही सुनाई देगा जैसे हम इन्हें पढ़ते हैं. यहाँ पे देखिए, एस ए आई एल, सेल. यहाँ पे ए भी है और आई भी है, लेकिन साउंड आ रहा है सिर्फ ए का, और ए का एक्चुअल साउंड आ रहा है. तो फ्रेंड्स, ऐसा कब होता है? जब दो वॉवल्स एक वर्ड में एक साथ यूज होते हैं, तब पहले वाले वॉवल का साउंड आता है और दूसरा वॉवल साइलेंट हो जाता है. जैसे यहाँ पे सेल में ए का साउंड आएगा लेकिन आई साइलेंट रहेगा. एस ए आई एल, सेल. इसे हम कहते हैं लॉन्ग वॉवल साउंड. यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, पी आई ई, पाई. आई का साउंड आ रहा है आई, लेकिन ई अपना साउंड नहीं निकाल रहा है क्योंकि यहाँ पे दो वॉवल यूज हुए हैं. पी आई ई, पाई. आर ए टी ई, रेट. यहाँ पे भी दो वॉवल्स हैं ए एंड ई, लेकिन ए अपना साउंड रियल वाला निकाल रहा है, लेकिन ई यहाँ पे कोई भी साउंड नहीं निकाल रहा है, वो चुपचाप बैठा हुआ है. ई इज साइलेंट हियर. आर ए टी ई, रेट. टी ए के ई, टेक. आर ए आई एन, रेन. बी ओ ए टी, बोट. एन ओ टी ई, नोट. ई ए टी, ईट. यहाँ भी ई और ए एक साथ हैं, लेकिन साउंड सिर्फ ई का आ रहा है, ए इज साइलेंट. ग्रेन, लोड, फाइन, नाइन. ट्यून, ब्लू, जून. यहाँ पे भी यू का साउंड आ रहा है, देखिए टी यू एन ई, ट्यून. यू को हम यू ही बोल रहे हैं. लास्ट में हम देखते हैं मैजिक वर्ड्स. ये मैजिक वर्ड्स जब आप बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे इसे बहुत इंजॉय करेंगे. आपको उन्हें ये बताना है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें अगर आप ई ऐड करोगे तो उनका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा और प्रोनंसिएशन भी चेंज हो जाएगा. जैसे ट आ प, टैप, यानी नल. टैप में जब आप ई ऐड कर दोगे तो वो बन जाएगा टेप. सिमिलरली आर ए टी, रैट. रैट यानी चूहा. रैट में जब आप ई ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा रेट. नॉट प्लस ई, नोट. फिन प्लस ई, फाइन. किट प्लस ई, काइट. तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ मेथड्स जिससे अगर आप बच्चे को रीडिंग करना सिखाएंगे तो डेफिनेटली उनकी रीडिंग बहुत इम्प्रूव होगी और वो एक प्रॉपर मेथड फॉलो करके रीड करेंगे. इसके बाद आप उन्हें साइट वर्ड्स करा सकते हैं. ये है वो 100 साइट वर्ड्स जो आप बच्चों को कराइए. इन्हें आपको सिर्फ दिखाकर उन्हें पढ़ना सिखाना होगा. ये 100 साइट वर्ड्स उनकी रीडिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे. इफ़ यू लाइक माई सजेस्टेड मेथड्स, डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो.